नमस्कार, मैं कंचन, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। शिव कुमार श्रीवरे, ब्यूरो चीफ बुंदेलखंड। कुक्यू ने अन्य पशुओं को गौशाला में संरक्षण की मांग को लेकर वीडियो को सौंपा ज्ञापन। बांदा जनपद के कमासीन विकासखंड कार्यालय पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में क्षेत्र के अन्य पशुओं को गौशाला में संरक्षण की मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। एक सप्ताह के अंदर गौशाला को संरक्षण नहीं किया गया तो अनशन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मामला बबेरू तहसील क्षेत्र के कमासीन विकास खंड कार्यालय का है, जहां बुंदेलखंड किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष मुकेश सिंह के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारियों में तहसील क्षेत्र में अन्य पशुओं को गौशाला में संरक्षण की मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी अमित कुमार यादव को ज्ञापन दिया है और बताया है कि ग्राम पंचायत तराया जामु धुंदई अश्लील नारायणपुर विनवट गांव में अन्य पशुओं से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, जिसमें गौशाला में अव्यवस्था होने के कारण पशुओं को छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की धान, ज्वार, अरहर, मूंग की फसलों का काफी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान परेशान है। इसलिए सभी अन्य पशुओं को गौशाला में संरक्षण करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। वहीं बताया है जल्द ही अन्य पशुओं को संरक्षण नहीं किया गया और व्यवस्था नहीं की गई तो अनशन व धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष मुकेश सिंह, पंकज मिश्रा, अंशु मिश्रा, लाला श्रीवास, श्रीकेश आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। शिव कुमार श्रीवरे, ब्यूरो चीफ बुंदेलखंड। बबेरू में श्री रामलीला के तीसरे दिन ताड़का सुबह वध फुलवारी लीला का किया गया सुंदर मंचन। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे पर विगत 176 वर्षों से बराबर रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें इस वर्ष भी श्री रामलीला का मंचन का आयोजन किया गया, जो 16 दिवसीय रामलीला कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज की रात्रि रामलीला के तीसरे दिन ताड़का सुबह वध फुलवारी लीला बाजार लीला का सुंदर मंचन कलाकारों के द्वारा किया गया। मामला बबेरू कस्बे के कमासीन रोड स्थित रामलीला मैदान का है, जहां पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष 176वां रामलीला का सुंदर मंचन स्वामी वीरदास बाबा की असीम अनुकंपा से स्थानीय कलाकार एवं बाहरी कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रामलीला के तीसरे दिन रात्रि में ताड़का सुबह वध फुलवारी लीला बाजार लीला का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या पर दर्शक मौजूद रहे। वहीं रामलीला पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी लगा रहा, जिसमें राम का अभिनय, शिवांश दीक्षित, लक्ष्मण का अभिनय, राघव पांडे, विश्वामित्र का अभिनय, चंद्रपाल द्विवेदी, मरीज का अभिनय आदित्य सिंह गौतम, सुबाहू का अभिनय दीपपाल सिंह, जनक का अभिनय राजकुमार गुप्ता, सीता का अभिनय रुद्र मिश्रा, इनके द्वारा रामलीला का सुंदर मंचन किया गया। इस मौके पर रामलीला समिति के प्रबंधक प्रकाश नारायण चतुर्वेदी, पूर्व प्रबंधक बुद्ध प्रकाश अग्निहोत्री, दिलीप सोनी, नीरज पांडे, जगत नारायण चतुर्वेदी, प्रेम नारायण चतुर्वेदी सहित हजारों की संख्या पर निर्देशक दर्शक मौजूद रहे। नीरज पांडे समिति के पदाधिकारी रहे। बबेरू में मोबाइल चोरी करने के बाद युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में पिछले दिनों मोबाइल चोरी करने के बाद चोर ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दिया था, जिसमें पुलिस ने बबेरू थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर हत्या आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं आज SOG टीम व बबेरू कोतवाली पुलिस के द्वारा हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कस्बे से 8 मोबाइल फोन हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद किया है। मामला बबेरू कस्बे का है, जहां पिछले 17 सितंबर की रात्रि गायत्री पर मोहल्ले के रहने वाले जितेंद्र गुप्ता पुत्र मुन्ना गुप्ता उम्र 24 वर्ष के मकान पर एक चोर मोबाइल चोर लेकर भागा था, जिसमें जितेंद्र गुप्ता रात्रि में ही मोबाइल चोर के पीछे दौड़ा, जिसमें कस्बे के तिंदवारी रोड पर नहर पटरी पर चोर ने जितेंद्र गुप्ता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा सहित अन्य पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच किया। इसके बाद हत्या आरोपी के खिलाफ बबेरू कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें बांदा SOG टीम व बबेरू कोतवाली पुलिस के द्वारा हत्या आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें आज कस्बे बबेरू कस्बे के मरकान रोड वन विभाग के पास से हत्या आरोपी राजपुत्र राजेश आरख उर्फ राजू निवासी परसोली थाना बबेरू हाल पता मरका रोड कुलाड़ी का डेरा बबेरू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे में से पुलिस ने चोरी की 8 मोबाइल फोन, हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद किया है। वहीं हत्या आरोपी राज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसमें हत्या आरोपी को मेडिकल उपचार करवाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले टीम में पंकज कुमार सिंह प्रभारी, निरीक्षक बबेरू, SOG प्रभारी राकेश कुमार तिवारी, उप निरीक्षक मयंक सिंह चंदेल, SOG उप निरीक्षक रोशन लाल सरोज, तुषार श्रीवास्तव सहित कांस्टेबल सौरभ यादव, दीपक गुप्ता, भानु प्रताप, राहुल प्रसाऊ, अभिषेक महंत, धर्मेंद्र सिंह चौहान, अजय कुमार, SOG टीम से कांस्टेबल अश्विन प्रताप, भूपेंद्र सिंह, नितेश भानु प्रताप, सत्यम गुर्जर मौजूद रहे। 17:18 रात में बबेरू कस्बे में एक
साथी चोर है, घर में घुसा, मोबाइल चलाया, लोग जगे बाहर से ये घुंडिया लगा करके भागा। उसका बेटा मोटरसाइकिल लेके उसका पीछा किया, थोड़ी दूर बाद जाकर के इसको पकड़ लिया, इसने चाकू मार दी, मौके पे ही उसकी मौत हो गई थी। इसमें तत्काल सभी अधिकारी पुलिस अधिकारी मौके पहुँचे थे और कई टीमें इसमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण करते हुए राजू आरक नाम के अभियुक्त को पकड़ा गया है। अब तक 4 से 5 घटनाओं का अनावरण हो चुका है, 4 और मोबाइल उसके कब्जे से बरामद हुए हैं, उनको वेरिफिकेशन किया जा रहा है कहाँ कहाँ से इसे चुराया है। घटना में जो SOG और वेरु की टीम है संयुक्त रूप से उसको 25,000 का अधिकतम पुरस्कार को निरीक्षक महोदय से प्रदान किया गया। सर, इसके ऊपर पूर्व में कितने मुकदमे दर्ज हैं और किन किन धाराओं में? पूर्व में इसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं है। सारी घटनाओं का अनावरण अभी चल रहा है। सर, माल क्या क्या बरामद हुआ है? माल में इस पर जो आला कतल चाकू, बहुत ही भारी भरकम चाकू और नुकीला चाकू है, चाकू बरामद हुआ है। इसके पास से मोबाइल बरामद हुआ है, 8 मोबाइल हुए, उसमें 4 लिंक हो गए हैं, 4 भी लिंक होने बाकी है। और ये बहुत ही साथी चोर और लगातार वारदात कर रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकु, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News के साथ। नमस्कार।